आखिर क्यों नहीं चढ़ाते हैं शिवलिंग पर संग से जल। दोस्तों, हमारे पौराणिक कथाओं में ऐसी तमाम जानकारियां हैं जो आज हमारे लिए रस बनी हुई हैं और जिनको जानने के लिए आज का मनुष्य बहुत उत्सुक है। ऐसी एक कहानी है कि हम शिवलिंग पर संग से जल क्यों नहीं चढ़ाते हैं। आइए हम जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पूजन कार्य में शंख का उपयोग महत्वपूर्ण होता है। लगभग सभी देवी देवताओं को शंख से जल चढ़ाया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित माना गया है। आखिर क्यों शिव जी को शंख से जल अर्पित नहीं करते हैं? इस संबंध में शिव पुराण में एक कथा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड नामक महापाकर्मी दैत्य हुआ करता था। शंखचूड दैत्यराम दम्भ का पुत्र था। दैत्यराज दम्भ को जब बहुत समय कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब उसने भगवान विष्णु के लिए कठिन तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु जी ने वर मांगने के लिए कहा। तब दम्भ ने तीनों लोकों के लिए एक अजय महापाकर्मी पुत्र का वर मांगा, किंतु श्री हरि तथा अस्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। तब दम्भ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूड पड़ा। शंखचूड ने पुष्कर में ब्रह्मा जी के निमित्त घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। तब शंखचूड ने वर मांगा कि वो देवताओं के लिए अजय हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला और उसे श्री कृष्ण कवच दिया। साथ ही ब्रह्मा ने शंखचूड को धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा दी। फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड का विवाह हो गया। ब्रह्मा और विष्णु के वरदान के मत में चूर दैत्यराज शंख ने तीनों लोकों पर स्वामित्व स्थापित कर लिया। देवताओं ने त्रस्त होकर विष्णु से मदद मांगी, परंतु उन्होंने खुद दम्भ को ऐसे पुत्र का वरदान दिया था। अतः उन्होंने शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने देवताओं के दुख दूर करने का निश्चय किया और वह चल दिए। परंतु श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पति व्रत धर्म की वजह से शिव जी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तब विष्णु ने ब्राह्मण रूप बनाकर दैत्यराज से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया। उसके बाद शंखचूड का रूप धारण कर तुलसी के सिर का हरण कर लिया। अब भगवान शिव ने शंखचूड को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया और उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। चूंकि शंखचूड विष्णु भक्त था, अतः लक्ष्मी विष्णु को शंख का जल अति प्रिय है और सभी देवी देवता को शंख से जल चढ़ाने का विधान है। परंतु शिव ने चूंकि उसका वध किया, अतः शंख का जल शिव को निषेध बताया गया है। इसी वजह से शिव जी को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। दोस्तों, आपको यह पौराणिक जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।